ले जी, ये हमारे कबाब जो है वो आ चुके हैं पहले, और ट्राई भी। हाँ जी, चिकन कबाब। Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog and welcome back to my channel Desi Vlogger of Canada। में करते हैं आप सबका एक बार फिर खुशामदीद। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है एक रेस्टोरेंट का रिव्यू, जो कि बड़ा फेमस हो रखा है पिछले कोई एक साल से। मैं पहली दफ़ा आया हूँ, और रेस्टोरेंट कौन सा भाईजान मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कढ़ाई बट कढ़ाई, वो है मिसी सागा में। और सुना है कि ये बड़ा कमाल मटन कढ़ाई बेचते हैं, देसी चिकन ही बेचते हैं, लेकिन देसी चिकन जो है वो था नहीं। तो हम आए हैं यहाँ पे मटन कढ़ाई ट्राई करने के लिए, और अभी हम इसका करेंगे फेयर रिव्यू और आपको बताएंगे कि भाई साहब ये वाकई बट कढ़ाई कराने के काबल है या कुछ और कराने के काबल है। बिल्कुल फेयर रिव्यू। मैंने कॉल की थी, मैंने पूछा ये लक्ष्मी चौक वाली ब्रांच ही है, तो कहते ये हमारे ना फैमिली मेम्बर्स ही हैं। ओके, सुनने में तो आया कि लक्ष्मी चौक के साथ ही इनका भी लेना देना है। अभी हमें बिल्कुल देखें आपको बताया, बात होगी बिल्कुल फेयर रिव्यू, ठीक है। और आज रिव्यू करेंगे ये भाई साहब, मैं सच्चा करूंगा फिर रिव्यू, सच्चा। तो सच्चा ही करने के लिए तो झूठ आप हमेशा रिव्यू में कहते हैं छानी छानी, आज मैं सच्चा करूंगा भाई। तो सच्चा ना किता फिर सच्चा होगा, हूं जो अच्छा ना भी होना इन्हें ना वो गल करना से ना कहना अच्छा से भाई देखो फेयर रिव्यू, ठीक है। तो भाईजान अभी चलते हैं अंदर, फैमिली बड़ी इधर जा चुकी है, अंदर जाते हैं। ऑर्डर शॉर्डर मैं पहले दे चुका हूँ, ऑर्डर मैंने दिया इनको चिकन कबाबों का और साथ में मटन कढ़ाई का, और उन्होंने कहा जी हम आपको ऐसी मटन कढ़ाई बना के खिलाएंगे कि आपको आम आ जाएगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा है इनका फूड सेटअप, कैसा है सिस्टम, कैसा है सर्विस, कैसी थी ए टू जेड हम इस रिव्यू में करेंगे बात, और देखेंगे क्या ये वाकई हाइप बनी हुई है या इसमें कोई रियलिटी है, ये आपको चलेगा इस वीडियो के एंड में पता। तो स्टे ट्यून्ड जी, और जाकर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं जी अंदर, और बटन दबाना मुझे, इनके बटन नहीं चैनल के बटन। चलते हैं जी अंदर, देखते हैं जाके कैसा रहता है मामला हमारा बट कढ़ाई में हमारा। वेलकम, हम खुद ही करते हैं। चलो भाई, तो ये जी बट कढ़ाई की एंट्रेंस है, ये बड़ा इन्होंने माहौल तो अच्छा बनाया हुआ है, सेटिंग भी अच्छी है, ठीक है जी। देखते हैं अभी कि खाने में कैसा रहता है। आपका नाम क्या है? हसन। तो ये हसन भाई हैं ये, ठीक है, ये मैनेजर हैं यहाँ पे। तो आप लोग अगर आएँ तो आदमी बड़े शानदार इंसान हैं ये, तो लाजमी मिलेगा इनको, ठीक है जी। तो खाने को टेस्ट करके बताएंगे आपको कि कैसा रहता है आज का मामला। बिल्कुल फेयर रिव्यू आपको मिलेगा सिर्फ मेरे चैनल पर। ले जी, ये हमारे कबाब जो है वो आ चुके हैं पहले, और कढ़ाई भी। हाँ जी, चिकन कबाब। कबाब का जो साइज़ है वो सही है, और ये कबाब की प्लेट है $70। तो ये जनाब, ये मियाँ साहब ने कबाब जो है वो पा लिया है पूरे भार के साथ। ये जनाब हमारी कढ़ाई भी साथ ही आ गई है, ये जनाब साथ में हमारे नान भी गर्म गर्म आ चुके हैं भाई। कबाब का रिव्यू मियाँ साहब, कबाब तो कैसा है? सही है, सही बताना। तो वहाँ हमने वादा किया है लोगों से कि बिल्कुल फेयर रिव्यू होगा, सही है कबाब, ओके गुड हो गया जी। मियाँ साहब डरते डर भी होते हैं। और ये जनाब साथ तंदूरी रोटी भी आ गई है, लो जी पूरा माहौल बन गया जी। ये हालात हो गए कढ़ाई के, भाईजान भाई जाके रिव्यू किया यहाँ पे, भाई जाके के यहाँ पे, ओके ओके ये चेक करें भाई। ओए होए होए, A few moments later. ले जी आ गया टाइम, आ गया रिव्यू का। रिव्यू देने के लिए हमने लाया दो एक्सपर्ट, जो कि अपने घर में एक्सपर्ट हैं। ओ भाई हेलो, तुमने कहा था मैंने रिव्यू देना है, ठीक है, सच्चा रिव्यू है, अच्छा है, मस्त ट्राई करने वाला। ओके, कंपटीशन के लिहाज से बहुत अच्छा। सच्चा रिव्यू आया कि ना आए जो इसका आएगा, चलो ठीक है, सच्चा रिव्यू दो। अ बिट टू ओवरप्राइज्ड, वन थिंग दैट आई नोटिस, ठीक है। यूजुअली हम इतना ही करें, जाते रहते हैं, यू नो बेटर। दूसरा, कढ़ाई के लिहाज से 7 out of 10, जो मटन था ना अंदर मटन, उतना फ्रेश नहीं चला। ओके, और कबाब वाज कबाब वर गुड, कबाब सारों को पसंद आया, कबाब ठीक। लेकिन जो हमने मटन कढ़ाई बाकी जगह ट्राई की है उनमें अच्छी थी, उनमें अच्छी थी। यानी कि हम और भी दो चार जगहों पे गए हैं, उनसे अच्छी थी, उनके मुकाबले में अच्छी कढ़ाई थी। डिसअपॉइंट नहीं हुए, ये नहीं कह सकते कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ठीक है। मेरे को तरह पैसे भी लगाए हैं और डिसअपॉइंट भी हुए हैं, वो चीज़ नहीं थी, ठीक है। खाना अच्छा था, खाना मजे का था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वाज रियली गुड फन, है ना। चलो ओके हो गया, 7 रेटिंग अच्छी दे दी, आप कितनी देंगे? रिकमेंड रेटिंग है 7.5, ठीक हो गया। तो ये था हमारा
बट कढ़ाई का एडवेंचर आज का, उम्मीद करता हूँ आप लाजमी करेंगे आगे बट कढ़ाई को, अगर आप कढ़ाई के लवर हैं। बेसिकली हम यहाँ पे आए थे देसी चिकन खाने के लिए, देसी चिकन जो था वो अवेलेबल नहीं था, वो कहते आउट ऑफ स्टॉक हो गया, वरना हमने देसी चिकन खाना था, हमने मटन खाना का मूड नहीं था नहीं, हम जब घर से आए ना हमारा गोट का मूड नहीं था, हमारा मूड देसी चिकन का था और जो अवेलेबल नहीं था, लेकिन जो भी खाया हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाया, मज़ा आया, फुल ऑयल खाया। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे खत्म, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मज़े की लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो चलते हैं यहाँ से, हम जा रहे हैं घर, तो इंशाल्लाह ताला जल्दी आपसे करूँगा किसी और ब्लॉग में मुलाकात, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई चलें।